सोमवार को NCDEX पर सोयाबीन में 6% का लोअर सर्किट लगता नजर आया था, जो सोयाबीन इससे पहले वायदा में 6,900 के ऊपर कारोबार करती दिखाई दी थी। अब वही सोयाबीन वायदा बाजार में नीचे में 6,093 का स्तर भी दिखा चुकी है। किसान सोयाबीन में तेजी लाने के पूरे पूरे प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी उपज की उन्हें कम से कम लागत तो नसीब हो। लेकिन जब भी कुछ अच्छा सोयाबीन किसानों के लिए होने जा रहा होता है, कुछ ना कुछ घटबढ़ बाजार में जरूर देखने को मिलती है। सोयाबीन की आवकें मंडियों में काफी कम देखने को मिल रही हैं, क्योंकि किसान सोयाबीन को अब स्टॉक करके रख रहे हैं। मंडियों में सोयाबीन की आवकों में कमी और डिमांड ज्यादा रहने के चलते इसकी कीमतों में उछाल आया था। ऊंचे भावों पर भी प्लांटों द्वारा सोयाबीन की खरीद देखने को मिली, लेकिन भाव अब प्लांटों के लिए कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते जा रहे हैं। ऊपर से आयातित सोया तेल ज्यादा सस्ता मिल रहा है, जिससे प्लांटों पर कहीं ना कहीं दोहरी मार भी पड़ रही है। ऐसे में प्लांटों से कभी अच्छी खरीदारी तो कभी बिल्कुल मंदा बाजार देखने को मिलता है, और इसी का प्रभाव हम वायदा में भी आता देख रहे हैं। वहीं चाइना से सोयाबीन की डिमांड गिरने और वायदा सोयाबीन पर 5% एडिशनल मार्जिन बढ़ने से भी इसकी कीमतों पर दबाव बना है। व्यू रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।